नमस्कार दोस्तों, आपने कल परसों तस्वीरें देखी होगी अतिक्रमण को लेकर। जो निगम की टीम है वो सड़कों पर थी और जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था उन्हें वार्निंग देकर गए थे। हालांकि उस दिन चालान जो है वो काफ़ी कम किए गए थे और सामान देख सकते हैं जो गाड़ी के अंदर है वो डाला जा रहा है। जी हाँ, सामान जो है वो गाड़ी के अंदर डाला जा रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं शायद इस दुकान का चालान जो है वो भी किया जाएगा। जी हाँ, इस जो दुकान का चालान जो है वो किया जाएगा। फिलहाल आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं शायद प्लास्टिक भी इस दुकान से मिला है और इस प्लास्टिक का भी चालान जो है वेट के अनुसार किया जाएगा। जी हाँ, वेट के अनुसार इस प्लास्टिक का भी चालान जो है वो किया जाएगा। हालांकि पूर्णतः पूरी तरह बैन है ये प्लास्टिक जो है वो पूरी तरह बैन है। और अब मार्केट के अंदर हड़बड़ाहट जरूर मच जाएगी जैसे ही पता लगा है कि निगम की टीमें जो हैं वो काम करती हुई नज़र आ रही हैं। अपील आप सभी से रहेगी, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। देख सकते हैं चालान जो है इस दुकानदार का जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं चालान जो है वो कर दिया गया है इस दुकानदार का। प्लास्टिक का भी इससे जो है बैन थे जिसके प्लास्टिक भी इस दुकान से मिला है, कितनी क्वांटिटी में है वो भी यहाँ पर लिखा जा रहा है। 500 रुपये का शायद चालान जो है वो किया जा रहा है। जी हाँ, 500 रुपये का चालान जो है वो किया जा रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं सामान जो है वो उठवाने के लिए कह दिया गया है। जी हाँ, सामान जो है उठवाने के लिए कह दिया गया और सामान उठवा लिया गया है। हालांकि वार्निंग जो है वो पहले दी गई थी ये वही मार्केट है जिस मार्केट की हमेशा आवाज़ सोशल मीडिया पर आती है कि नेहरू पैलेस के अंदर कार्रवाई जो है वो नहीं होती। जी हाँ, फिलहाल देख सकते हैं जैसे ही निगम पहुँचा है और यहाँ से सामान उठाना शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, सामान उठाना शुरू कर दिया गया है। निगम जैसे ही पहुँचा है और सामान जो है उठाना जो है वो शुरू कर लिया गया है। अपील आप सभी से देख सकते हैं किस तरह से साथ वाली दुकान पर देख सकते हैं भगदड़ जो है वो मच चुकी है। जी हाँ, भगदड़ जो है वो मच चुकी है। आसपास की दुकानों ने जो सामान है वो बाहर रखा हुआ था और जो सामान है कुछ एक कब्जे में लिया जा रहा है, कुछ एक सामान जो है वो कब्जे में लिया जा रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर
जो बाहर सामान रखा गया था उसको सामान को उठाया जा रहा है। जी हाँ, इस सामान को उठाया जा रहा है। अपील आप सभी से, इस वीडियो को देखने वाला, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। करनाल के नेहरू पैलेस के अंदर, करनाल के नेहरू पैलेस के अंदर ये कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। जी हाँ, सारा का सामान जो है वो डाला जा रहा है, डाला जा रहा है। साइकिल जो है शायद वापस उतरवा दी गई है, साइकिल जो है वो वापस उतरवा दी गई है। अपील आप सभी से करूँगा, इस वीडियो को देखने वाला, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। फिलहाल आप देख सकते हैं रेड़ी वाले को भी यहां से हटाने के लिए बोला जा रहा है। रेड़ी जो है इसे भी हटाने के लिए कहा गया है कि यहां से साइड पर कर ली जाए, नहीं तो सामान जो है वो उठा लिया जाएगा, अंदर करवा दी गई है। और देख सकते हैं दुकानों के बाहर खड़े बोर्ड जो हैं उन्हें भी उठाया जा रहा है। जी हाँ, दुकानों के बाहर खड़े बोर्ड जो हैं उन्हें भी उठाया जा रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर किस तरह से जो बाढ़ सामान है उन्हें उठा के जो है वो रखवाया जा रहा है। बोर्ड जो हैं वो काफ़ी सड़कों के ऊपर रख दिए जाते हैं, जिस कारण काफ़ी यातायात में परेशानी ज़रूर होती है। जी हाँ, यातायात में परेशानी ज़रूर होती है और चालान जो है कहीं ना कहीं वो काटे जा रहे हैं। साथ ही साथ देख सकते हैं सामान जो है वो उठाया जा रहा है। जी हाँ, सामान जो है वो उठाया जा रहा है। फिलहाल देख सकते हैं अब सामान जो है वो बाहर पड़ा है, वो भी अब उठाने की तैयारी जो है वो कर ली गई है। जी हाँ, देख सकते हैं सामान जो है उठवाने के लिए ये सामान जो है उठा लिया गया है। जी हाँ, सामान जो है वो उठा लिया गया है। सड़क के ऊपर कहीं ना कहीं पड़ा हुआ था, सड़क के ऊपर सामान पड़ा था, उसे उठा लिया गया है। निगम लगातार जो काम है वो करती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल कहीं ना कहीं बाहर जो सामान जो है वो रखा हुआ था उसे अब उठाया जा रहा है। जी हाँ, उसे उठाया जा रहा है। जो सामान सड़कों के ऊपर हैं उन्हें उठाया जा रहा है। अपील आप सभी से, इस वीडियो को देखने वाला, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। जी हाँ, ये देख सकते हैं चार मेज थे बाहर लगे हुए, चारों के चारों जो हैं वो उठा लिए गए हैं। जी हाँ, उसे उठवा के बीच में रखवाया जा रहा है। फिलहाल अब जो है निगम से इसे छुड़वा सकते हैं। जी हाँ, अतिक्रमण है कहीं ना कहीं बड़ा हुआ है, जिसके चलते हुए इस तरह की कार्रवाई जो है देखने को मिली। आप देख सकते हैं सड़कों पर जो बोर्ड पड़े हैं उन्हें उठाया जा रहा है। जी हाँ, सड़कों पर जो बोर्ड पड़े हुए इस तरह के, ये बोर्ड जो हैं वो उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं जो एक नागपाल मोबाइल वाली गली है, उस गली के अंदर किस तरह से अब बोर्ड उठाने जो हैं वो शुरू कर लिए, देख सकते हैं। अपील आप सभी से करूंगा, इस वीडियो को देखने वाला, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। करनाल में नगर निगम की आज फिर से जो है वो कार्रवाई जो है देखने को मिल रही है। जी हाँ, जितना भी अतिक्रमण है, बोर्ड पड़े हुए हैं बाहर, उन्हें उठवाने का जो है वो आज काम करती हुई नज़र आ रही है। देख सकते हैं जिस प्रकार से बोर्ड पड़े हुए हैं बाहर, इसे भी उठवाया जाएगा। आप देख सकते हैं पूरे बोर्ड जितने भी बाहर पड़े हुए हैं उन्हें सबको उठवाया जा रहा है। जी हाँ, उन्हें सबको उठवाया जा रहा है। अपील आप सभी से, इस वीडियो को देखने वाला, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। देख सकते हैं मार्केट में हड़बड़ाहट जरूर मच चुकी है। जी हाँ, हड़बड़ाहट जरूर मच चुकी है। बोर्ड जो हैं किस तरह से यहाँ पर बाहर रखे हुए थे उन्हें सबको उठा लिया गया है। जो है उन सबको उठा लिया गया है। और आप देख सकते हैं जो सड़क पर बने हुए बोर्ड हैं शायद उन्हें भी उतरवाया जाएगा, जो ऊपर लगे हुए बोर्ड हैं उन्हें भी उतरवाया जाएगा। अपील आप सभी से, इस वीडियो को देखने वाला, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। जी हाँ, जितने भी मोबाइल के बोर्ड रखे हुए थे उन्हें सबको उठा लिया गया है। फिलहाल निगम के द्वारा ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जी हाँ, निगम की टीमें जो हैं वो पहुँची हुई थी। तमाम बोर्ड जो हैं वो सभी के सभी, देख सकते हैं ये बोर्ड जो है वो रख लिए गए हैं। अतिक्रमण को लेकर देख सकते हैं जिस तरह से ये हो रखा था, सभी का सभी उतरवाती हुई नज़र आ रही है। जी, उतरवाते हुए नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं लोग किस तरह से बोर्ड उठाने जो हैं वो शुरू कर चुके हैं। जैसे ही देखते हैं कि निगम वाले आ चुके हैं, बोर्ड जो हैं अंदर ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, अंदर ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जितने भी बोर्ड हैं उन्हें उठाया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी जो हैं दुकानों के बाहर जो हैं इस तरह के बोर्ड देखने को मिल रहे थे। अतिक्रमण जो है काफ़ी जो है वो हुआ पड़ा था यहाँ पर। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं जितने भी बोर्ड सड़कों पर थे उन्हें बोर्ड को यहाँ पर देख सकते हैं अब उठवा लिया गया है।
अब पूरी टीम देख सकते हैं आज जबरदस्त कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है, पूरी टीम द्वारा जबरदस्त कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो रास्ता है वो ही बंद कर दिया गया है, यहाँ पर रास्ता जो है वो ही बंद कर दिया गया है। देख सकते हैं पूरे का पूरा रास्ता जो है फ्लैक्स के साथ यहाँ पर बंद कर दिया गया है। अब उसे उतरवाने का जो काम है वो किया जा रहा है। जी हाँ, किस तरह से ये जो बोर्ड हैं पूरे यहाँ पर लगा के रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया, जिसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर अब उतारने का काम जो है वो करते हुए नज़र आ रही है टीम। जी हाँ, वो यहाँ पर इन बोर्ड को उतरवाने का काम जो है वो करती हुई नज़र आ रही हैं। पूरे एक्शन मोड में हैं, देख सकते हैं निगम के अधिकारी आज इन बोर्ड को निकलवाने का काम करती हुई नज़र आ रही हैं। जी हाँ, इन बोर्ड्स को उतरवाने का काम करती हुई नज़र आ रही, क्योंकि रास्ता जो है वो बंद किया हुआ है। जी हाँ, रास्ता जो है वो बंद किया हुआ था, उसे हटवाने के आदेश जो हैं वो दे दिए गए हैं। मुगल कैनाल पर बरामदों में सामान जो है वो रखा हुआ है, उसे भी देख सकते हैं यहाँ से अब उठाने का आदेश जो है वो दिए गए हैं। जी हाँ, उठाने के जो आदेश हैं वो दिए गए हैं, काउंटर जो है उठा लिया गया है। जी हाँ, एक महिला कहीं ना कहीं रोकती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ, फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर महिला कहीं ना कहीं विरोध करती हुई जरूर नजर आई है, उसे उठवाने के लिए कह दिया गया है। मुगल कैनाल पर आप पहुंच चुके हैं, अधिकारी को देखते हैं बोर्ड ले जाते हुए नजर आ रहे थे और बोर्ड जो है वो रख लिया गया है। जी हाँ, रेडी को चेक जो है वो किया जा रहा है। जी हाँ, रेडी को चलान जो है वो किया जा रहा है। प्लास्टिक का यूज़ जो है वो किया जा रहा था। जी हाँ, प्लास्टिक का यूज़ जो है वो किया जा रहा था, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का। इसके बाद अब यहाँ पर वेट जो है वो होकर चलान जो है वो किया जा रहा है। जी हाँ, चलान जो है वो किया जा रहा है, 500 रुपये का चलान जो होगा जो प्लास्टिक अभी भी यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पॉलीथीन यहाँ से भी मिली हैं और इन्हें भी अब यहाँ से जब्त किया जा रहा है, इन पॉलीथीन के पैकेट को भी। जी हाँ, दोनों दुकानों के अंदर पॉलीथीन काफ़ी मात्रा में जो हैं वो मिले हैं और इन पॉलीथीन को भी यहाँ से अब जब्त किया जा रहा है। जी हाँ, सिंगल यूज़ प्लास्टिक देख सकते हैं दबा के जो है वो इस्तेमाल हो रहा है अभी भी जो है कहीं ना कहीं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन जो लगा हुआ है उसके बाद भी देख सकते हैं काफ़ी जो मात्रा में जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक देख सकते हैं। देख सकते हैं सब्जी मंडी चौक पर कंबल की दुकानें हैं, कहीं ना कहीं बाहर तक कंबल जो हैं वो रखे होते हैं। दुकान से कम 20-25 फुट ये बाहर है सामान और यहाँ से अब फोल्डिंग जो है वो उठा लिया गया, एक फोल्डिंग जो है इनका ले लिया गया है और अगली दुकान पर भी शायद जो है वो कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल फोल्डिंग जो है वो उठा लिया गया है, यहाँ पर देख पा रहे हैं अतिक्रमण को लेकर आज काम करती हुई नगर निगम की टीमें नज़र आ रही हैं। निगम की कार्रवाई जो थी आज बाजार के अंदर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो कार्रवाई की है उसके बारे में?
आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई थी जो कि कुंपर रोड पे और ये जो नेहरू पैलेस के आसपास और पुरानी सब्जी मंडी इसके आसपास जो कार्रवाई की गई है अतिक्रमण हटाने ये की गई है और जिसके साथ 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 सिंगल यूज प्लास्टिक के भी चालान किए गए। तो सर इसी तरह से जारी रहेगी कार्रवाई? बिल्कुल जारी रहेगी कार्रवाई, त्योहारों तक जारी रहेगी या उससे बाद भी? त्योहारों तक ये जो है वो बिल्कुल जारी रहेगी क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है, त्योहारी सीजन में किसी भीड़ के कारण कोई अप्रिय घटना ना हो इसको देखते हुए कार्रवाई जरूर जारी रहेगी।